आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कर्नाटकात भाजपचा सुपडा सापवणार, काँग्रेस सचिव खासदार माणिकम टागोर यांनी दिली पत्रकारांना माहिती. कर्नाटक राज्यातील जनता भाजपच्या फसव्या धोरणाला ओळखून आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला यश मिळणार नाही, काँग्रेसच पुन्हा सत्तेवर येणार आहे अशी माहिती काँग्रेसचे सचिव आणि बेळगाव जिल्ह्याचे प्रभारी माणिकम टागोर यांनी दिली. चिकोडीतील काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार बैठकीत खासदार टागोर बोलत होते. गेल्या वेळी मोदींची लाट होती, तरीही कर्नाटकात 40.5% काँग्रेसला आणि भाजपला 43% मतदान झालं होतं. GST, नोटाबंदी, 15 लाख खात्यावर जमा करणं, आजचे दिन ही आश्वासनं पोल ठरली आहेत. त्यामुळं काँग्रेसचा ऐतिहासिक कर्नाटकात विजय होणार आहे. काँग्रेस पक्षात अंतर्गत विरोधात कोणी काम केलं तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. आमदार विवेकराव पाटील हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत. निवडून येणाऱ्यास योग्य असणाऱ्यांना पक्ष उमेदवारी देणार आहे. यावेळी बेळगाव जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मणराव चिगळे, सकीर संधी, एरगोंडा पाटील, काकासाहेब पाटील, नगरसेवक प्रभाकर कोरे, अनिल सुदनोळी, मिलिंद वराळे, ऍडव्होकेट HS नसलापूर, राजेंद्र वड्डर, MH पटेल, पंकज पाटील, राजेश कदम, गणेश मोहिते, राजकुमार कोटगी, साबीर पटेल, प्रतीक शहा व अन्य उपस्थित होते. महानकारी न्यूज साठी चिकोडीहून पद्मराज चौगुले. आप ये कोई भी ऐसे करेंगे ना उनके ऊपर इंक्वायरी करेंगे. वैसे कोई भी आदमी ऐसे इनडिसिप्लिन किया है उसका उसको ऊपर एक्शन होगा. क्यू मीन्स ये सारे चीज राहुल गांधी का कांग्रेस में नहीं चलेगा. राहुल गांधी ने सिर्फ क्लियरली बोला है कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा. यहाँ डिसिप्लिन तरीके से चलेगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता का बात सुनना है सुनेंगे, बट निर्णय सारे नेता के साथ बैठ के लेंगे. मैं ACC का सेक्रेटरी हूँ. मैं किसका बोल रहा हूँ पार्टी में, वो पार्टी में है. ठीक है, विवेक राव कांग्रेस पार्टी का एसोसिएट मेंबर है. और किसका दूसरा का क्या बोल रहे हो आप? किसका टिकट अनाउंस करने का टाइमिंग स्ट्रैटेजिक होगा. यू मीन्स हमें पता है BJP का BT में JDS और JDS BJP का जिताने के लिए कंप्लीटली 101% काम कर रही है. वो लोग कांग्रेस का कैसे हराना है, कैसे BJP का जिताना है, यही काम है JDS का. और उसी के ऊपर ही वो लोग पूरी 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 दिन का दिन रात का उनका दिमाग है. इसलिए हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का टाइमिंग हमारा ऊपर होगा. क्यों मीन जीत हमारा होना चाहिए और हमारा जीत होगा. सोच सिंप्लीफाइड है. क्यों मीन्स सारे सीट्स में हमारा बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स, उसका साथ में सोशल कॉम्बिनेशन. क्यूमीन्स हम BJP का तरफ से BJP जैसे हम डिजाइन नहीं कर सकते. BJP एक सिंगल कम्युनिटी का पूरा जिला दे सकती है, कांग्रेस ऐसे नहीं दे सकती है. कांग्रेस सारे कम्युनिटी का जगह देना पड़ता है, सोशल कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है. क्यूमीन्स किस किस कम्युनिटी कहाँ कहाँ देना है वो कांग्रेस देखती है, BJP का वैसे नहीं है. आप उठा के देखो कहने में एक ही जिला में सारे 7 सीट एक ही कम्युनिटी का दे देती है. BJP का कोई फर्क नहीं है, बट कांग्रेस वैसे नहीं करती है. अभी आपका वीक कैंडिडेट और स्ट्रांग कैंडिडेट वाली बात है. कोई भी वीक कैंडिडेट आप मानते हो वैसे वीक कैंडिडेट है वो बता दो मेरे को अकेले. मैं उसका कौन स्ट्रांग कैंडिडेट आप बता रहे हो वही टिकट मैं करने के लिए बात करूंगा.